दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो शेयरिंग वेबसाइट यूट्यूब के डेस्कटॉप का होम पेज मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया गया। यूट्यूब ने अपना होम पेज तब्दील करते हुए तमाम आइकॉन को बड़े साइज का कर दिया है ताकि वीडियो थंबनेल देखने में ज़्यादा बेहतरीन लगें। नए होम पेज को आज 7 नवंबर को मुतारफ करा दिया गया है, जो चंद दिनों में दुनिया भर में एक्टिवेट हो जाएगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक नई तब्दीली से अब यूज़र किसी भी थंबनेल पर माउस को रखकर क्लिक किए बगैर वीडियो का प्रीव्यू देख सकते हैं। यूट्यूब पर अब वीडियो टाइटल भी ज़्यादा लंबे और बगैर क्लिक किए पढ़ने के काबिल हैं। यूट्यूब की जानिब से चैनल आइकॉन को होम पेज पर हर वीडियो के बराबर लाया जा रहा है, जो अभी नीचे तरीरी शक्ल में होते थे, ताकि सार्फीन को याद रहे कि इस वीडियो को बनाने वाला कौन है। नए आउटलुक में बड़े थंबनेल के साथ यूट्यूब की वीडियो रिकमेंडेशन सेंटर में होंगी, जबकि वीडियोस के लिए कतारों की तादाद भी बढ़ाई जा रही है। इसके साथ साथ यूट्यूब ने कुछ मखसूस चैनल की सजेशंस को रिमूव करने का फीचर भी मुतारिफ करवा दिया है, जो इस साल के शुरू में मोबाइल यूज़र्स के लिए पेश किया गया था। यूट्यूब का रिकमेंडेशन इंजन माजी में नामुनासिब वीडियोस दिखाने पर तनकीद का बायस बनता रहा है। चैनल रिकमेंडेशंस को इस नए होम पेज पर मुतारिफ कराए जाने वाले नए फीचर में सबसे अहम समझा जा सकता है। इसके ज़रिए यूज़र्स को वीडियो के 3-डॉट मेनू में जाकर डोंट रिकमेंड चैनल का इंतखाब करना होगा। गूगल की ज़ेर मिल्कियत इस वेबसाइट ने यूज़र के लिए बाद में वीडियोस देखने के अमल को भी आसान बना दिया है। इसके लिए बस वीडियो के ऊपर माउस एरो को रखें और वीडियो को बाद में देखने के लिए महफूज कर लें। यूट्यूब का कहना था कि नए होम पेज पर मज़ीद फीचर्स जैसे मखसूस टॉपिक को फॉलो करना वगैरह भी जल्दी मुतारफ करा दिया जाएगा। आज के लिए बस यादगार न्यूज़ में इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज़ में।